फ्रेंड्स नमस्कार। अभी हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक ब्लेंड इस ब्लेंडर में प्रॉब्लम है। जैसे कि इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये ब्लेंडर चल तो रहा है बट ये ब्लेंडर कुछ भी कट नहीं कर रहा। जब हम इसको किसी भी चीज़ को कटिंग करने की कोशिश करते हैं तो इसका ब्लेड मूव नहीं कर रहा। तो हमने अब देखना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी हम इसका अभी प्लग लगा के देख रहे हैं। जैसे हमने इसका प्लग लगाया तो ये देख रहे हैं जैसे इसकी मोटर चल रही है, मोटर की साउंड पूरी आ रही है बट जो ब्लेड की मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो सबसे पहले तो हमें यहीं से इसका इंडिकेशन आ जाता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। अभी हम इसको सेकंड इसको चेक करने का दूसरा जो तरीका है, जैसे कि हम इसको ब्लाइंडर को चलाएंगे तो अभी जैसे ही अभी ब्लाइंडर को चलाएंगे, देखिए ये अभी स्लो चलेगा, ये देखिए ये चल रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे इसके ब्लाइंडर के ब्लेड को इसके प्लास के साथ पकड़ लेंगे, अभी इसकी मोटर को चलाएंगे। अब देखिए जैसे मोटर को चलाया तो इसमें साउंड पूरी आ रही है बट ये ब्लेड मूव नहीं कर रहा। अगर ये ब्लेड सही होगा तो ये ब्लेड मूव करेगा। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक कपलिंग होती है, रबड़ की कपलिंग होती है जो कि इसमें ख़राब हुई हुई है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कपलिंग कौन सी है, इसमें जो कपलिंग है ये वाली कपलिंग होती है, अभी ये ख़राब हो चुकी है इसके अंदर, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको ब्लाइंडर को ओपन करेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि इसको हमने कैसे रिप्लेस करना है। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इसको ब्लेंडर को ओपन कर रहे हैं, अभी ओपन करने के बाद आपको इसमें दिखाएंगे कि इसमें कैसे कपलिंग चेंज करनी है। ये देखिए अभी हमने इसमें से मोटर को खोल लिया है, इसका कवर बॉडी खोल ली है। अभी हम इसके जहाँ पे कपलिंग फिट होती है वहाँ के जो बेस है हम उस बेस को ओपन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें स्क्रू लगे हुए हैं दोनों तरफ, इन दोनों तरफ के स्क्रू को खोल लिया। तो हम ये देखो ये कपलिंग है। अभी हम जिसका अगर मैं इसका फेस दिखाऊं आपको, ये देखो इसका फेस जो है राउंड हो चुका है। अगर हम नई कपलिंग का फेस देखेंगे तो उस नई कपलिंग के फेस में क्या है, ये देखिए इसका प्रॉपर फेस बना हुआ है और ये बिल्कुल राउंड हो चुका है। तो अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब आप देखोगे इसको हम कैसे रिप्लेस करते हैं। जैसे कि हमने इसको ओपन किया, अभी इसको ओपन करने के बाद अभी हम इसमें दूसरी कपलिंग डाल देंगे। इसको डालने के बाद हमने इसको टाइट कर देना। अब इसके बेस को हम वैसे ही फिट कर देंगे जैसे हमने इसको ओपन किया है। इसमें जब आप इसको खोल रहे इसमें जब हम इसको खोलते हैं तो इसमें वायरिंग वगैरह हम कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमने इसके दोनों स्क्रू फिर से टाइट कर दिए, अभी ये जो पुरानी कपलिंग है जो कि हमने अभी इसमें से रिप्लेस की है, अभी हमने इसमें से नई डाल दी है। अभी ये ब्लाइंडर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना साथ दें। थैंक यू। अभी हमने इसको प्लग को लगाया, अभी ब्लाइंडर चलाएंगे। अभी आप देखो इसके ब्लेड की मूवमेंट देखो, अभी प्रॉपर मूवमेंट नज़र आ रही है। अभी हम इसको आपको जैसे मैंने प्लायर से पकड़ के दिखाया था ब्लेड को कि हम कैसे इसको प्लायर से पकड़ के अगर हम टेस्ट करते हैं तो अभी हम दिखाएंगे। देखो अभी ये देखो ये अभी प्लायर लगाया तो अभी आपको इसमें मोटर की आवाज़ नहीं आएगी, ये झटका मारेगा। ये देखो अभी आप इसमें साउंड सुनोगे, अब ये रुकी हुई है, मीन्स ये अभी मोटर चल नहीं रही। लास्ट पहले हमने अब देखा था कि कैसे मोटर चल रही थी बट ब्लेड घूम नहीं रहा था। अब हम आपको जैसे कि अभी दिखा रहे हैं कि अभी ये ब्लाइंडर जो है इसमें कपलिंग डल चुकी है और ये